तुमने तो सच में कमाल कर दिया। यानी मैं जैसे ही फोल्डर लेकर पहुंचा तो जीनिया की शक्ल देखने वाली थी, वो मुझसे कितना खुश हुई। मैंने ये सब कुछ मजबूरी में किया है, वरना कोई शौक नहीं था मुझे। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? हाँ मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ कठपुतली बनकर रह गई हूँ तुम्हारी। मैं तुम्हारी अब मजीद किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनना चाहती, समझ गए? वाह वाह वाह, तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती मेरी जान। बात सुनो मेरी, तुम सिर्फ मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, पता है तुम्हें? हैरत हो रही है मुझे, ये बात कौन बोल रहा है? तुम जानती हो ना, बस मेरी एक ख्वाहिश है और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा, और मैं कर रहा हूँ। तुम अयास को धमकियां दे रहे हो ना? इस मामले में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यकीनन तुम उसे ब्लैकमेल कर रहे होगे। कहा ना मैंने कि तुम ज्यादा मत सोचो। तुम्हारी ये सारी मेहनत सिर्फ इसलिए है ताकि तुम किसी भी तरह जीनिया को अलग कर सको अयास से, पता है मुझे। जो समझो, अच्छी बातचीत रही, अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, फिर मिलेंगे। और हाँ, मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा फिर से शुक्रिया। तुम ना भी बताओ मुझे, लेकिन मैं सब कुछ पता लगा कर रहूंगी जावियर। तुम और मैं, हाँ ना, हमारा अफेयर, हाँ ना, से एक प्लान समझो। लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मैं जीनिया को खुद से दूर करना चाह रहा हूँ, इसलिए। वैसे ये सब तो हम स्कूल में भी किया करते थे ना अयास, लेकिन अब वो वाली एज नहीं रही है। यानी ये बात तुम उसको खुद भी कह सकते हो कि तुम उससे प्यार नहीं करते या तुमने इस बारे में भी सोचा नहीं है। और वैसे भी वो कोई बच्ची नहीं है, उसे समझनी चाहिए तुम्हारी बात। तो मेरा मशवरा तो यही है कि ये सब मत करो। मुझे बिल्कुल सच सच जवाब देना, तुम भी तो करते हो ना प्यार उससे। हाँ, उससे बहुत प्यार करता हूँ मैं, इसमें कोई शक नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन हम कभी मिल नहीं सकते, ये भी सच है। बाकी ये सच तो बहुत तकलीफ देह है, इंसान है वो, और हमें किसी भी इंसान के जज्बात के साथ खेलने का कोई हक नहीं है, ये बात जान लो। यार देखो, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता हूँ, तो बात यह है कि जीने के लिए जान भी हाजिर है। मैं ये चाहता हूँ कि वो जिंदगी भर बस खुश रहे, लेकिन अभी मैं बहुत बेबस हो चुका हूँ। और इस बेबसी की वजह बताओगे मुझे? नहीं बता सकता मैं। क्या तुम मेरी हेल्प करोगी या फिर नहीं करोगी? अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है तुम जानबूझ के इसका दिल कभी नहीं दुखाओगे, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि ठीक है अयास, ठीक है, ठीक है। तुम रात 8 बजे तक तैयार रहना, हमें एक इवेंट में जाना है, ठीक है? और यकीनन वो भी होगी वहां, है ना? बेचारी लड़की, उसका बहुत दिल टूटने वाला है आज। बेटा, तुम अब उसके पीछे नहीं भागोगी। अगर कि तुम्हें ये लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है, तो याद रखना कि वो खुद तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अम्मी, तो क्या अब मैं खड़ी होकर सिर्फ तमाशा ही देखती रहूं? बस आपको अंदाजा भी नहीं है हमारे दरमियान कितने सवाल हो गए। मैं तो कम से कम हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सुन ले आप। पापा, ये आपके लिए है, मुझे लेटर बॉक्स से मिला है। क्या है ये? कॉलेज से आया होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी, ये लोग मेरे साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं यार। क्या लिखा है? कॉलेज से निकाल दिया इन लोगों ने मुझे, और इसमें निकालने की वजह भी लिखी हुई है कि मैं रेगुलर नहीं जाती थी। मैं तो रोज स्कूल जाता हूँ, लेकिन देख ले। यार अयास, सीनियर रात को यहाँ क्यों आई थी? तुमने तो ब्रेकअप कर लिया था, हाँ? फिर उसकी यहाँ पर आने की वजह क्या थी? देखो, मैं उसे हर लम्हे इग्नोर कर रहा हूँ। करना ही पड़ेगा तुम्हें, समझ गए? वरना पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए उससे दूर रहो। हाँ ठीक है, ठीक है,
आज रात तुम खुद भी देख लेना अपनी आंखों से। खैरियत है ना मेरे दोस्त, क्या करोगे तुम? तुम्हें इससे क्या? ठीक है, तुम पर भरोसा है पार्टनर। मैं कोई पार्टनर वार्टनर नहीं हूँ, ठीक है? क्यों, सबको लगता है हम फिर से बिजनेस पार्टनर बन गए हैं। हाँ ठीक है, हम उसे ये कह देंगे कि हमने दोस्ती बचाने के लिए पार्टनरशिप खत्म कर दी, उसे वजाहत देने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, ये गलत है। इस तरह जीनिया को दुख होगा, और तुम, क्या तुम जीनिया की आंखों में आंसू बर्दाश्त करोगे? हाँ, तुम ना दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। यार अयाज, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना है, इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करोगे तो फिर कैसे चलेगा? बस करो। चलो ठीक है, मैं चला जाता हूँ, वरना अगर कुछ देर और रहा तो हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। बात सुनो, अभी दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहां से। ठीक ठीक है, जा रहा हूं मैं। मेरी खूबसूरत बेटी बिल्कुल शहजादी लग रही है। उदास शहजादी। लेकिन बेटा जो कुछ मैंने कहा है वो याद रखना। हाँ, उदास मत होना। देखो बेटा, तुम्हारा फैशन शो होने वाला है, काम भी आगे बढ़ रहा है तुम्हारा। अगर तुम अयाज को थोड़ी देर के लिए अपने जहन से निकाल दोगी बेटा तो अच्छा होगा। देख लेना, जो उसने तुम्हारे साथ किया है उस पर वो जरूर पछताएगा। तुम्हें कौन पिक करेगा? वैसे तो अयाज पिक करने वाला था मुझे, लेकिन अब वही लोग मुझे पिक करवाएंगे। अम्मी बस निकलती हूँ मैं। ठीक है मेरी जान। मैंने सोचा कि तुम वहां अकेली नहीं जाओगी। क्या तुम मेरी कंपनी पसंद करोगी? एक दोस्त की हैसियत से। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम हमेशा सही मौके पे आ जाते हो। यार, दोस्त का काम ही यही होता है कि मुश्किल वक्त में साथ देना। देखो, मुझसे एक वादा करो सीनिया, आज से तुम बिल्कुल उदास नहीं होगी, ठीक है? हम बस एंजॉय करेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है? मैं भी बस यही चाहती हूँ और कुछ नहीं, यानी कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ मैं। अच्छा, तो फिर आपकी खिदमत में गाड़ी हाजिर है, चल। यार सीनिया, एंजॉय करने का वादा किया था। हाँ, देखो कितनी उदास लग रही हो तुम। यार मैं बस थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, देखो मैं जानता हूँ कि मुश्किल काम है, लेकिन अपने दिलो दिमाग को काबू करना पड़ेगा तुम्हें, वरना और मुश्किल हो जाएगी। अयाज कहाँ है? नहीं आएगा वो आज, उसने बताया नहीं तुम्हें। नहीं तो? वाकई मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर जाओ और जाके खुद ही पूछ लो उससे। वो तो आ गया। मिस्टर अयाज सर, सामने देखेंगे आप? सर सर, जरा लेफ्ट साइड देखिए। सर इस तरफ। सर जरा सामने देखिए सर। सर सर प्लीज जरा मुस्कुराइए। मिस्टर अयाज सर प्लीज जरा सामने देखिए सर। सर प्लीज कैमरे में देखिए सर, बस दो मिनट, दो मिनट बस। यार इनकी जोड़ी तो बहुत ही प्यारी लग रही है माशाल्लाह। वाकई सही कह रहे हो। ये इसका हाथ पकड़ के क्यों आ रही है? हाँ सर जरा प्लीज थोड़ी देर सामने देखिएगा। सर जरा सामने। नई गर्लफ्रेंड हो? मैम जरा सामने देखे। नहीं यार, इसने मुझे कल ही तो बताया था ये इसकी स्कूल की फ्रेंड है। ऐसे नहीं हो सकता। जरा सामने मैम प्लीज।
थोड़ा मुस्कुराइए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा यार। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मतलब आजकल किसी पे भरोसा नहीं रहा। बहुत अच्छी पिक्चर आई है सर, बस एक आखिरी आखिरी और। मैम जरा सामने देखकर मुस्कुराइएगा। बहुत मुश्किल है तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना यार। मिस्टर आयाज जरा सामने देखिए। जिंदगी चल रही थी, पता नहीं क्या हो गया मुझे। सर एक मिनट ऐसे ही रहिएगा। शिकायतें नहीं करो, खुश दिखना होगा बस। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। वो देखो तुम, एक सेकंड के लिए भी ये शख्स उसे नहीं छोड़ेगा। है कौन वो? बस देखती रहो, बहुत बड़ी मुसीबत है ये। और ज़ीनिया के मेरे बारे में भी इसी तरह के ख्यालात होंगे। देखो तो सही वो किस तरीके से मुझे घूर रही है। वैसे उसका हक है ये। वेलकम। बहुत शुक्रिया। सुनो, ये हमारी प्रोड्यूसर है। मुझे खुशी हुई। काश पता चल जाता तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन मैं तो लेट हो गई। देखो तुम्हारा कोई चांस नहीं है। चलो आ जाओ फिर, थोड़ा कानों में बातें करते हैं। मेहमत, आज मैं जावेर से मिली। कहाँ पर? तुमसे मिलने के लिए गई थी, तुम नहीं थे तो उससे बातचीत तो हो गई मेरी, वहीं बैठा था वो। आपने उससे क्या बात की होगी? आप तो उसे जानती तक नहीं। अल्लाह अल्लाह, मेरे बच्चे के पीछे पड़ा है, ऐसे ही छोड़ देती मैं क्या? लेकिन अब तो सब ठीक है। हाँ, धमकी तो दे दी मैंने उसे। उसकी आंखों में कुछ और दिखता है, वो धोखा दे रहा है किसी को। आपा प्लीज हर किसी पर शक करना बंद कर दें। देखिए आप यहाँ पर कुछ दिन के लिए आई हैं, मेहमान हैं, बस एंजॉय कीजिए और दूसरों के मामला से दूर रहें। हाँ तो किस बारे में बात हो रही है? मैं बस आपा से कह रहा था कि सुकून से एंजॉय करें यहाँ पर और कोई नई परेशानी खड़ी ना करें हमारे लिए। हाँ बिल्कुल आपा, रिलैक्स करें आप। आपने एक्सीडेंट तो देखा होगा, कल क्या हो किसको पता। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? कह तो सही रही हो वैसे तुम। कोई और जाने लगा। आए ए मेहमत, कोई अच्छी फिल्म शिम लगा दो, थक गई हूँ रोतू ड्रामे देख देख के। काफी जल्दी नहीं मिल गई तुम्हें? हाँ शुक्रिया। जरा सा भी इंतजार नहीं किया क्या ना तुमसे? हाँ क्या कहें, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ऐसा तुम ही सोच रही हो। सर जरा क्लोज हो जाएंगे, ठीक हुए? हाँ बस ज्यादा पास नहीं, बस यहीं से ले लीजिए। अच्छा तो सर फिर सिर्फ थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। सर अपने राइट साइड पे देखिए प्लीज। सर थोड़ा यहाँ। कितनी घटिया चॉइस है तुम्हारी। खैर तुम छोड़ो उसे, ये बताओ कि ज़ावियर यहाँ क्या कर रहा है? बस सर एक आखिरी क्लिक। सर प्लीज। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता है। क्यों, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हाँ मैम थोड़ा सा सामने देख लीजिए और मुस्कुरा देंगी प्लीज। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया सर। एक काम करो, तुम अपना ख्याल रखना क्योंकि ज़ावियर का भरोसा नहीं है। ओह तो अब तुम मुझे बताओगे कि किसका भरोसा करना है? क्या हो गया, तुम मुझे कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं?
क्यों नहीं, चलो। ज़ीनिया, तुम ठीक तो हो ना? देखो, मैं यहाँ सबके सामने रोना नहीं चाहती, इसलिए हम यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर जाके बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो। शब ख़ैर। अपना ख्याल रखना। कर क्या रही हूँ यार? ज़ीनिया, मेरी जान जिंदगी खत्म नहीं हो गई। तुम्हारी क्लास ना लेने से अयास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ, ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। हाँ, दरअसल बात यह है कि ज़ावियर के साथ घूमने से बेहतर है कि मैं कहीं अकेली चली जाऊँ। क्या वो वाकई खुश लग रहे थे? तुम खुद देख लेती यार, दोनों पूरे दांत खुल कर हंस रहे थे। यार अयास ऐसा कैसे कर सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। यानी वो तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता है, हमने तो आज तक यही देखा है, और अब देखो उसे। वो करता था, मगर अब ऐसा नहीं है। देख लो ना, कोई और मिल तो गई है उससे। अब उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब खत्म यार। छोड़ो यार, वैसे अयास से ये उम्मीद नहीं थी मुझे बिल्कुल भी। आइंदा उम्मीद रखना भी मत उसे। मुझे तो उसकी ये लॉजिक ही समझ नहीं आ रही। उदास रहो, चुप रहो, इग्नोर करो, और इस तरह से ब्रेकअप हो गया। क्या पता वो किसी मकसद से अयास के साथ हो। हाँ, वैसे नाम क्या है उसका? रोशनी। घटिया सा नाम। मैं अगर उसकी लाइफ में अंधेरा ना ले आई ना, तो मेरा नाम बदल देना तुम। ऐसी हालत करूंगी कि अपना नाम भी नहीं बताएगी किसी को। ओह, ये यहाँ क्या कर रही है? कैसे हैं आप लोग? ज़ैनब मैडम की गैर मौजूदगी में आज से आपकी आर्ट क्लासेस मैं लूंगी। ओ, तुम यहाँ कैसे? दुनिया सच में गोल है। हाँ, वाह, सरप्राइज अयास। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो ज़ावियर? मैं और क्या कर सकता हूँ अयास? ज़ीनिया का इंतजार। और तुम? रोशनी का इंतजार। हाँ, वो स्टूडेंट है यहाँ? नहीं, पढ़ाती है यहाँ वो। बात सुनो, क्या तुम वाकई में उसके साथ सीरियस हो? देखो जरा, बकवास नहीं करो तुम मुझसे। तुम जानते हो कि ज़ीनिया के अलावा मेरी जिंदगी में कोई और नहीं आ सकता। अच्छा, तो इसलिए आए हो? ज़ीनिया तुम दोनों को देखे और जेलिस हो जाए, यही बात है ना?
मैं उसके साथ ऐसा कभी ना करूं अगर तुम मुझे मजबूर ना करो। लेकिन एक बात कहूंगा, ट्रिक बहुत अच्छी है आयास। मतलब कल रात जीनिया का चेहरा देखने वाला था यार। कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया है वो तुमसे नफरत करने लगी है। जावियर, एक ना एक दिन ये भेद खुल जाएगा, उसके बाद तुम क्या करोगे जब हर कोई तुमसे नफरत करने लगेगा? जब हम 8 की तारीख पर नजर डालते हैं तो हम माजी और मुस्तकबिल को साथ साथ चलते हुए देखते हैं। यानी ना तो फन में और ना फैशन में आपको कोई मुस्तकिल मिजाजी मिलती है। मिसाल के तौर पर वो डिजाइन जो पुराने हो चुके हैं, हम देखते हैं कि चंद साल बाद वही डिजाइन दोबारा से मार्केट में आ जाते हैं। हमारी लाइफ भी एक जैसी नहीं रहती। यानी कि जो शख्स माजी में, बस मिसाल दे रही है और कुछ नहीं, वो फिर से आपकी लाइफ में आ जाता है। अब चाहे वो स्कूल का कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है। बिल्कुल हाँ, और आउट ऑफ फैशन भी है। मेरा मतलब, अब स्कूल के पुराने फ्रेंड से आप बोर भी तो हो सकते हैं। दिल नहीं करता कि ऐसे लोगों को लाइफ से निकाल दें। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी को हम इस क्लास से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जिंदगी में कुछ दोस्त और कुछ रिश्तेदार बहुत अहमियत रखते हैं। जैसे अगर आपको किसी से प्यार हो, यानी आप तो उससे बोर हो ही नहीं सकते। और जाहिर है जब बोर नहीं हो सकते तो उसे अपनी लाइफ से कैसे निकाल सकते हैं। मुंह तोड़ दूंगी इसका। आज की क्लास बस यहीं पे खत्म होती है। इसका हशर बिगाड़ के रख दूंगी मैं। उससे पे काबू रखो अपने जीनिया, क्या हो गया तुम्हें? तुमने देखा नहीं किस तरह का जवाब दिया उसने मुझे? तुमने मजबूर किया उसे। वैसे बुरा नहीं मनाना, एक बात कहूँ, खूबसूरत है वो काफी। कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रही हो तुम उसकी। उफ, ठीक है यार, ठीक है, समझ गई मैं। चलो उठो, कुछ खाने चलते हैं। चलो। क्या मतलब है तुम्हारा, जीनिया ने तुम्हारी क्लास ली? उसकी बातें सुनते तुम जरा। और वैसे भी तुम तो उसे दूर ही रखना चाहते थे ना। पता है, हम दोनों को एक साथ देखकर वो और खौफनाक हो गई है। अब ऐसे क्या देख रहे हो तुम मुझे? तुम तो यही चाहते थे ना। हाँ ठीक है ना, उसे बहुत तकलीफ भी तो हो रही होगी ना। अयाज, तुम ब्रेकअप भी करना चाहते हो और उदास भी नहीं देख सकते उसे, कैसे मुमकिन होगा ये? और मेरी बात सुनो, ये सब यहीं खत्म करो प्लीज। नहीं कर सकता मैं, ये सब करना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूर हूं मैं। क्या करूं, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, कल कॉलेज की तरफ से ट्रैकिंग और कैंपिंग का एक इवेंट है, चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। ये परेशानियां तो आती जाती रहेंगी। हाँ नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, अभी मेरा बिल्कुल भी कोई मूड नहीं है। ये बताओ फिर, स्कूल मिस किया तुमने? नहीं। अच्छा, लगता है बोर लगी है ये क्लास। उफ, पूछा ही मत। अयाज की न्यू गर्लफ्रेंड तो हमारी टीचर निकली, इसीलिए जीनिया का मूड खराब हो गया। अच्छा, वाकई में? सच कह रहे हो तुम लोग क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ यार। तो इसलिए मूड ऑफ है तुम्हारा? हाँ, वैसे अगर पहले पता होता तो वो क्लास बंक ही कर लेती मैं। एक रास्ता है भागने का मेरे पास, हम सब कैंप पे चलते हैं, क्या ख्याल है? आ, ये तो बहुत जबरदस्त आइडिया है। वैसे मेरी मानो तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, चाहो तो हम फार्म हाउस चलते हैं। नहीं नहीं भाई, हमें फार्म हाउस नहीं जाना, फार्म हाउस बहुत बोरिंग होते हैं, कैंपिंग पे चलते हैं। सुनकर ही बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, क्या कहती है जीनिया? मेरा नहीं ख्याल कि हमें जाना चाहिए। सच कहूं जीनिया, तो सारी बकवास से भागने के लिए एक जबरदस्त आइडिया है। मेरे ख्याल से आइडिया अच्छा है, क्या कहती हो तुम? हाँ तो ठीक है, फिर चलते हैं। चलो फिर ठीक है, हम सब गार्डन में चल के कुछ खा लेते हैं। चलो चलो। वाह यार, क्या आइडिया है, बहुत मजा आने वाला है कसम से। जीनिया आ रही है, उसके करीब चलें क्या? चलो। इसकी क्या जरूरत है रोशनी? अगर उसे जेलिस करना है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना।
छोड़ो ये सब नहीं करो, आ रहा हूँ मैं, चलो आ जाओ। क्यों यार, बस ऐसे जरा देखना वहां, वो लोग यहीं पे आ रहे हैं क्या? क्या ये लोग एक मिनट भी दूर नहीं रह सकते एक दूसरे से? हेलो हेलो, तो कैसी थी क्लास? बोर तो नहीं हुए ना? नहीं, अब मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया, बहुत नींद आ रही थी, सच में कुछ भी समझ नहीं आया। सच कहूं तो बहुत ही बोरिंग थी यार। अच्छा कल प्रेजेंटेशन है तो आप सबको तैयारी करके आनी है, उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। बिल्कुल भी नहीं मेरी जान, जरूरत ही नहीं है, वैसे भी हम लोग कैंपिंग के लिए जा रहे हैं। क्या तुम सब जा रहे हो? हाँ सही कहा, मतलब हम सब जा रहे हैं, एम्ब्रे और मैं, फिजा और ज़ीनिया। अरे कैसे इत्तेफाक है ना, हम दोनों भी वहीं जा रहे हैं। बताओ ना, अभी हम यही बातें कर रहे थे ना। तुम्हें कब से शौक उठ गया? इसने असल में मुझे सरप्राइज दिया है। हाँ हाँ, सरप्राइज दिया है। ठीक है तो फिर मिलते हैं, आप दोनों एंजॉय करें, हम तंग नहीं करेंगे। तुम्हें तो कैंपिंग में नहीं जाना था। अरे बहुत अच्छा है ना, वो हमें साथ में देखेगी, यानी अभी खेल खत्म नहीं हुआ ना। पता है तुम्हारा मसला कुछ और है, तुम्हें ज़ीनिया पर नहीं बल्कि उस लड़के पर नजर रखनी है कि ज़ीनिया के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अफसोस हो रहा है तुम्हारे ऊपर अयास। सुनो ज़ीनिया, हमें देख रही है, क्या करें फिर? थोड़ा सा हंसो, जैसे बहुत मजा आ रहा है तुम्हें, इस तरह से एक्ट करो जैसे हमारा बहुत जबरदस्त अफेयर चल रहा है। यार हंसना इतना जरूरी भी नहीं है, फजूल लग रहा है। अरे बात सुनो, कुछ भी सोच लो, कोई मजाक सोच लो, कोई तफरी वगैरह जिससे हंसी आए तुम्हें। ठीक है, ऐसा करो कि चलो कुशन उठा के दो मुझे। बात सुनो, तुम उन दोनों को नहीं देखोगी ज़ीनिया? कैसे नहीं देखूं यार, काश के आती नहीं मैं यहाँ, देख कर ही गुस्सा आ रहा है। भाई बिल्कुल सही कह रहा था, अगर तुम यहाँ नहीं आती तो अयास को लगता कि तुम भाग रही हो उससे। तुम इन दोनों की वजह से अपना मूड बिल्कुल खराब मत करो, बल्कि इन दोनों को उदास कर दो। हाँ भाई, टेंट्स तैयार है हमारे। हाय, थैंक यू सो मच मेरी जान। यू आर वेलकम। आ जाओ आ जाओ। ओह, मुझे तो ये लगता है कि एक ही टेंट में रहेंगे ये दोनों। आखिर ये सब क्या है, मतलब कोई शर्म ही नहीं है। चलो, अरे हंसो ना, देख रहे हो। एक आइडिया है, क्यों ना अयास को सबक सिखाया जाए, आखिर हम दोस्त हैं, है ना ज़ीनिया? हाँ क्यों नहीं। हाँ तो मेरे दोस्तों, कौन कौन खेलना चाहेगा? हम भी। हाँ हाँ, हम भी खेलेंगे, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम लोग भी चलेंगे खेल में, तो सच कहूं तो मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। लाइए मुझे। अब मुझे भी दो, मुझे भी। आ जाओ, हम दोनों भी खेलते हैं, आ जाओ। जोर से, हम हार नहीं मानेंगे। जोर से खींचो, खींचो 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 खींचो, कुछ भी हो जाए छोड़ने नहीं। अरे मैं तो पूरा जोर लगा रहा हूँ। खींच तो नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ। खींचो जोर से जोर से जोर से। यार हाथ छिल गए। अरे हिम्मत करो यार, मैं छोड़ दूँगी। जोर कर, जोर जोर से। जोड़ लगा, जल्दी जोड़ लगा।
मजा आया। अब आए ना मजा। हाँ तो दोस्तों, हमारा दूसरा गेम है शहजादी को बचाओ, जिसमें लड़के को लड़की क्रॉस से गुजारेगी। मेरा मतलब है कि लड़की अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर लड़के को गाइड करेगी, फिर लड़का लड़की को ताज पहनाएगा और जो लड़की सबसे पहले तख्त पर बैठेगी वो जीत जाएगी। चले गुड लक। 3, 2, 1। चलो शाबाश यार, थोड़ा सा राइट आओ, थोड़ा आगे आगे आगे, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट, बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे वो पहुंच जाएगा, जल्दी करो, बहुत अच्छा कर रहे हो, शाबाश, थोड़ा राइट, थोड़ा और जल्दी करो, वो जीत जाएगा, राइट आओ, राइट आओ, बहुत करीब आ चुके हो शाबाश, बस तुमसे आगे निकल चुके हैं, जल्दी आओ, बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे आओ, आगे आओ, बस करते रहो इसी तरह, अयास अयास जल्दी करो, अयास अपने लेफ्ट, अपने लेफ्ट, और नहीं और नहीं, ओह अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। क्या कर रही हो यार? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, उसे खुद नहीं खेलना आ रहा। दोस्तों बातें छोड़कर गेम कंप्लीट करें। जीतने मत देना, तुम बिल्कुल मैं तुमसे चीख चीख के कह रही हूँ, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम्हारी बहुत गई है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, शाबाश, बहुत अच्छा, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी करो, वो आ रहे हैं, जल्दी हाथ चलाओ, क्या कर रहे हो यार? हो गया, जाओ ज़ीनिया, जाओ, जीतते हैं हमें, चलो ज़ीनिया, जल्दी चलो, चलो जहाँ करीब से आ रही है आवाज, तो सीनिया आयास, शुक्र है तुम आ गए, डरो नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, डरो नहीं। एक बात बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अकेला है और तुम सुकून में हो? अभी हमारा रिलेशनशिप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जानती हो ये खुशफहमी है तुम्हारी? खुशफहमी नहीं है मेरी, मुझे भरोसा है तुम पे पूरा। ये कैसा इश्क है, ये कैसा।